स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे दोस्तों। ये देखिए आज हम लोग घर पे ही बड़ा बना रहे हैं। ये हमारा उड़द दाल है, साथ में हमारा सूजी है। इसे हमने रात भर भिंगा के रखे हैं। ये आप चाहें तो इसे 7-8 घंटा भिंगा के इसे फूलने के लिए छोड़ देना है, फिर इसे आपको पेस्ट बना के रेडी कर लेना होगा। आप चाहें तो मिक्सर के जार पर पेस्ट बना लें। ये देखिए अभी इसे हम लोग मिक्सर के जार पर डाल के इसे पेस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो जो हमारा बड़ा में जो जो हमारा एड ऑन होगा, ये हमारा इंग्रेडिएंट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा एक कटोरी सूजी, चॉपर कटा हुआ वाला प्याज, हमारा ये देखिए चिली फ्लेक, ये हमारा गोटा वाला जीरा, ये स्वाद अनुसार हमारा नमक, ये हमारा धनिया पत्ता, ये हमारा करी पत्ता, ये हमारा काली मिर्च पाउडर। ये देखिए हमारा सारा इंग्रेडिएंट रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा उड़द दाल का पेस्ट बना के हमने रेडी कर लिया। ये ऊपर से अभी हमारा सूजी एड ऑन होगा। ये सारा इंग्रेडिएंट हमने रेडी करके पहले से कर लिया। ये देखिए घर पे ही हम आज बड़ा बना रहे हैं, काफ़ी टेस्टी सा है। ये देखिए ये हमारा सूजी ऊपर से हम ऐड ऑन कर लिए, ये हमारा उड़द दाल के ऊपर। ये देखिए आपको अच्छी तरीके से इसे मिला के रेडी कर लेना है। उसके बाद आप इसे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दें, 10 से 15 मिनट। इसे 10 मिनट रेस्ट के बाद हम इसे वापस निकाल लिए हैं। अभी इसी टाइम अभी इसे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज हम ऐड ऑन कर लेंगे। साथ में हमारा कड़ी पत्ता जो हमने काट के रेडी कर लिया था इंग्रेडिएंट, साथ में हमारा ये धनिया काट के हमने रेडी कर लिया है। साथ में हमारा काला मिर्च कूट के हमने रेडी करके रखा था। फिर आपका ये गोटा जीरा, स्वादानुसार नमक, चिली फ्लेक ऊपर से हम ऐड कर ले रहे हैं जो हमने रेडी कर लिया था। आपको तीखा अनुसार देना है। इसे अच्छे से मिला के रेडी कर लेना है आपको। ये देखिए पूरा हमारा इस प्रकार से इसे रेडी कर लेना है। ये देखिए फाइनली हमारा रेडी हो गया है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इस तरीके से हाथ में थोड़ा पानी ले लीजिए। आप चाहे तो हाथ के सहारा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक छोटा सा कटोरा लेकर के भी बना सकते हैं। इस प्रकार के इसे रेडी करके सर्कल शेप में आपको कर लेना है। बीच में आपको एक छोटा सा शेप से आप गड्ढा कर दें और इसे अच्छी तरीके से आपको तेल के ऊपर लाना है। ये देखिए ये हमारा आ गया तेल के ऊपर। फिर से हमारा दोबारा इसी प्रकार से बन रहा है। आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। बीच में आपको राउंड शेप में इस तरीके से गड्ढा कर देना है और उसके इस तरीके से आपको तेल के ऊपर छोड़ देना है। चलिए आपको सारा चीज़ छोड़ने के बाद फिर से हम शो करेंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी सब बड़ा बन के रेडी हो गया। हमने इसे रख दिया है आराम से कढ़ाई के ऊपर में, तेल हमारा गरम था। चलिए इसे आपको फिर से पलट के दिखाएंगे। अभी थोड़ा देर इसे पकने देना है, ये हमारा हाई फ्लेम में है। ये देखिए अभी इसे हम लोग पलटी कर लेते हैं। एक साइड हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी है। ये देखिए ये हमारा पलटी हो गया काफ़ी शानदार से। ये हमारा देखिए काफ़ी सही सा टेस्ट आएगा। ये हमारा सूजी और उड़द दाल का है, बहुत ही डिफरेंट प्रकार का भी बनता है बड़ा हमारा। ये देखिए एक साइड हमारा पक के रेडी हो गया। ये देखिए इसे किस तरीके से एक साइड हमारा दोबारा फिर से पका ले रहे हैं। चलिए इसे कंप्लीट फाइनल होने दीजिए, फिर आपको फिर से शो करते हैं। आप घर पे टेस्टी सा बड़ा बना के खा सकते हैं। देखिए फाइनली हमारा दोनों साइड से रेडी है। इसे अभी हम लोग एक थाली में उतार ले रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सही सा हमारा ये रहा हमारा टेस्टी टेस्टी बड़ा। काफ़ी साइज आप अपने हिसाब से डिपेंड कर लीजिए, आपको छोटा बनाना या बड़ा बनाना। ये जिस तरह का सबको मार्केट में मिलता है उस तरीके से ही है। आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं घर पे, काफ़ी टेस्टी सा। ये देखिए एक एक साइज हमारा काफ़ी सही है। चलिए आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर। ये देखिए फाइनली हमारा बड़ा बन के रेडी है, जो उड़द दाल और हमारा सूजी का है। ये आप कमेंट करके बताइए किस प्रकार से बना है, काफ़ी सारा टेस्टी सा हमारा बना है। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।